लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। निराशा आशा का विपरीत शब्द है। भैया कहते थे आशा निराशा से ही निकलती है, निकालने वाला चाहिए। जिंदगी और फुटबॉल दोनों खेल इसी चैलेंज से भरपूर हैं। जीतो या हारो, लाइफ इज लाइक दैट, किक और गेट किक्ड। माँ और बाबूजी के जाने के बाद मेरे भैया रामू को एक संघर्ष से भरी जिंदगी के अलावा कुछ भी ना मिला। दिन में 100 रुपये कैसे कमाए जाएं, यही चिंता रहती। मुझे स्कूल में पढ़ाना, खुद कॉलेज में पढ़ना, बस यही उनका चैलेंज था। भैया रईस लड़कों के कॉलेज सेंट जोसेफ्स कॉलेज में ग्रास कटर थे, घास काटते थे और खुद सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। धूप में पैदल चलकर शहर की दीवारों पर फिल्मों के पोस्टर ऐसे लगाते जैसे कि वो फिल्में उन्होंने ही बनाई हो। ड्रीमर थे, ड्रीमर, पर जिंदगी ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। मैं स्कूल में पढ़ता तो उनके बारे में सोचता और वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते तो मेरे बारे में सोचते। हम जब भी मिलते तो दोस्तों की तरह बातें करते और ऐसा करते कि हम अंदर के दुख दर्द सब भूल जाते। कुछ छोटी छोटी बातें करते थे। साइकिल, साइकिल देखकर मुझे जलन होती थी। अगर भैया के पास एक साइकिल होती तो वो 50 की जगह 100 पोस्टर लगा सकते थे। वो पूरे गांव का चक्कर जो 3 घंटे में लगाते थे वो 10-15 मिनट में हो सकता था और पैसा कमा सकते थे। साइकिल हमारे लिए शायद ड्रीम था, एक आशा थी, वैसे ही जैसे भैया के लिए ड्रीम था फुटबॉल खेलना। फुटबॉल के मैदान में एक घास काटने वाले लड़के का फुटबॉल खेलने का ड्रीम बहुत बड़ा ड्रीम था और यही उनके लिए चैलेंज था। मैं इस लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर, मैंने इस लिस्ट को अच्छी तरह देखा है, यही बेस्ट टीम है सर। माय फ्रेंड,
तुम्हें मेरी नौकरी चाहिए तो ले लो। सर मैं तो सिर्फ मदद करा था। क्या मैं ये मान लूं कि इन सब के सिलेक्शन का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इनके बाप दादा ने कॉलेज को कितना पैसा दिया है? तुम इस लाइन में क्यों? इट्स माय जॉब सर। जॉब? अभी लाइट से एलर्जी है डीन का टोंडे? मजाक अच्छा कर लेते हो कोच, आओ बैठो। सुना है तुम्हें हमारी टीम से प्रॉब्लम है? सिर्फ उसके पीछे छुपे कुछ इरादों से। तुम्हें उसकी फिक्र करने की तनख्वाह नहीं मिलती। आपको तो मिलती है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं मुझे कुछ लोगों को खुश रखना पड़ता है। कुछ लोगों की मुट्ठियां गर्म रखनी पड़ती है ताकि ये कॉलेज चलता रहे। तुम्हारी उछल कूद वहां वहां चलती होगी, लेकिन यहां यह मेरा खेल है। फिर अफसोस, अब आपको अपने साथ खेलने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। मतलब? आई क्विट। यह कब हुआ? अभी अभी, मैं जब आपका यह लेक्चर सुन रहा था। तुम्हारे बिना यहां कुछ रुकने वाला नहीं कोच। क्या करोगे, कहां जाओगे अपनी सेवाएं लेकर? कोई ना कोई जगह होगी। डोंट टेल मी तुम कहीं उन भिखमंगों को फुटबॉल सिखाने की तो नहीं सोच रहे? शायद। गवर्नमेंट कॉलेज, क्या साबित करना चाहते हो? वो क्या कहते थे तुम, लव ऑफ द गेम? क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? रोशनी। रोमियो आज इतना चुप क्यों है? मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है। कौन? तुम जानते हो भाई? मैं जानता हूँ। पिया। ओह। लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर अब मैं उसे पसंद भी नहीं। अभी से? इस बार तो सिर्फ दो ही दिन हुए। पता है। ये तो तेरे हिसाब से भी थोड़ा कम ही हुआ, नहीं? वो हमेशा मेरे बगल में बैठती थी। अगर बेंच पे जगह नहीं होती तो वो बना लेती कुछ भी करके। क्या बात है भाई। और एक दिन अचानक सब बंद। साइलेंस। आज मैं बिल्कुल अकेला बैठा था, कोई भी नहीं, पूरी जगह खाली थी और उसने जैसे देखा भी नहीं। शायद सचमुच ना देखा हो सकता है। बकवास, उसने बिल्कुल देखा था और देख के भी अनदेखा किया। तू टेंशन मत ले भाई, वो जरूर वापस आएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। अब इतना पक्का कैसा है? औरतों के बारे में मुझे पता है। उसका मैच का भी होमवर्क किया था 2 बार। क्या है? रहने दो, कोई भूत भूत का चक्कर ना हो। बकवास बंद कर और मेरी मदद कर, चल। चल पाना पकड़ा। सड़क पर फेंकी हुई टूटी साइकिल
एक निराशा थी जिसमें भैया ने आशा ढूंढने की ठान ली थी। साइकिल हमारा मकसद बन गई, जीने की राह बन गई। अब मैं आराम से स्कूल जा सकूंगा, भैया ज्यादा पोस्टर लगा सकेंगे। भैया ने अपने दोस्त यादव से मिलकर मेरी आशा तो पूरी कर दी, पर उनका दिल, उनकी नजर फुटबॉल में ही थी। और एक दिन उसी गवर्नमेंट कॉलेज में आए नए कोच थॉमस सर ने भैया को नोटिस किया। गुड आफ्टरनून सर। लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था, क्या तुम टीम में नहीं होना चाहते? कॉलेज के लिए नहीं खेलना चाहते? मैं खेलता कहाँ हूँ सर, बस यूं ही थोड़ा सा टाइम पास। ये टीम वीम। एक बात पूछो, तुमने ये पास क्यों दी थी? मैं तुम्हें देख रहा था, गोल तुम्हारे सामने बिल्कुल खाली था, फिर तुमने तम्मा को वह पास क्यों दी थी? तुमने गोल मारने की कोशिश क्यों नहीं की? पता नहीं सर, मुझे वहां दिखा लगा उसे पास देना चाहिए। पता नहीं सर। मुझे पता है, जानना चाहोगे? तुम जानते हो कि इस खेल का मकसद सिर्फ बॉल को एक जबरदस्त किक देना नहीं है, तुम इस खेल को समझते हो, शायद इसलिए तुमने ये पास दी थी। शायद, या फिर शायद तुम डरते हो गोल करने से, जो अपना है उसे हासिल करने से। तुम जानते हो कि मैं फुटबॉल के बारे में हमेशा क्या कहता हूं? फुटबॉल इज लाइफ, बस इसमें वॉल्यूम फुल है। वैसे बात तो सही है, कोशिश करके देख ले, आदमी तो अच्छे हैं। थॉमस सर अच्छे आदमी है और बढ़िया कोच, पर बात वो नहीं है यार। तो फिर क्या बात है? हाँ बोल ना, क्या बात है? क्यों भाई, कितने साल और लगाने का इरादा है, या फिर अपनी समझ के यही रख लोगे? इंजन रिटाइम कर दिया और फिल्टर भी बदल दिया, बस ट्यूनिंग के लिए एक दिन दे दीजिए, फिर देखिए कैसे भागती है। ठीक है, कल चेक करके मेरे यहाँ छोड़ जाना। ठीक है। और सुनो, एक छोटा सा काम और था। हो गया? कंट्रोल कर रोमियो, हो रहा है। तू यकीन नहीं करेगा। क्या? ये साइकिल सच में तेरे लिए अच्छी खबर ले आई। क्या बात? क्या? राव साहब के बंगले पे एक नौकरी है, उसका हरामी बेटा चंदू अभी बता के गया। सही में? अरे रोमियो अपन झूठ क्यों बोलेगा, सिर्फ 2 घंटे का काम है रोज का, करना क्या है, बगीचे की देखभाल, वैसे वैसे अच्छे मिलेंगे। बोल क्या बोलता है? ले ऐश कर। हेलो, कटी उंगली ठीक हो गई? कब का भूल गया था। ऐसा लग रहा है कि आसपास सब कुछ रुक सा गया है। हाँ ऐसा ही कुछ, अंदर कहीं दर्द सा हुआ पर फिर भी मजा आ रहा था। हाँ और हाँ, तुम वहाँ खड़े रहे कि वो बस एक बार और दिख जाए। अबे तू वहाँ था क्या? और वो नहीं आई। प्रभु आप जीनियस हो। अब क्या? पहले तो हमें एक प्लान बनाना होगा,
वो वाली बात सुनिए, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हाँ सुनिए। बकवास है। नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है, धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। मेरा नाम रामू है, और तुम्हारा? अच्छा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक ठाक है। आज मौसम कितना अच्छा है, नहीं? आज मौसम कितना अच्छा है, आज मौसम कितना। मेरे कुछ दोस्त हैं और एक भाई भी देवा, मुझसे काफ़ी छोटा है, पर बातें ऐसी करता है कि ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई सुन ले ना ये किस्सा, बहुत डर लगता है, मगर डरने से क्या हासिल, मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। तो सब ठीक था? इतनी आसानी से नहीं छूटने वाले, पूरा सीन सुनाओ। हमारी बात हुई, उसका नाम सृष्टि है। हो चलो, शुरुआत तो बढ़िया है, और क्या बात हुई? ज्यादा बात तो तेरे भाई ने की, पूरे 5 शब्द। तुम्हारा नाम क्या है? बस वो राधन की हमारी मेहनत। अरे नहीं यार, कुछ नहीं बोल सका, पता नहीं जब उसको देखता हूँ तो क्या हो जाता है। और ये वाला, आज मौसम कितना अच्छा है, कॉलेज फुटबॉल, कम से कम अच्छा नाम है। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे, मैं सिर्फ इतना ही कह पाया, तुम्हारा नाम क्या है। एक मिनट, ये तो सिर्फ 4 ही हुए, 5वां शब्द कौन सा है? सृष्टि। सृष्टि, मैंने उसका नाम दोबारा बोला, सृष्टि। सृष्टि। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है, खुदाया किस कदर मुश्किल, खुदाया किस कदर मुश्किल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर ओए! साइकिल।
यहाँ तो नहीं है। ध्यान से, उल्टा कोई हमें चोर ना समझे। स्पेयर पे भी नजर रखना, साले जब साइकिल चुराते तो पार्ट तक भी बेच खाते। मेरे साथ चलेगा? तीनों अलग अलग जगह देखते हैं ना, ज्यादा ढूंढ सकते हैं। हीरो सही कह रहा है। शाम को गैरेज में मिलेंगे, ठीक है? संभल कर जाना। अली, तुम्हें कुछ बताना है जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। तुम तो जानते हो उस घर को चलाने में कितनी मुश्किलें आती हैं। हाँ, मुझे याद है, मैंने तुमसे वादा किया था इस महीने के आखिर तक के लिए, पर मुझे नहीं लगता है कि बेटा तुम्हारी बहन की स्कूल की फीस जमा कराना अभी बेहद ज़रूरी है। बस अगले महीने तक रुक जाओ, अगले महीने मैं ज़रूर लाऊंगा तुम्हारी साइकिल। ठीक है। अली, अली मिर्जा, भैया के कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट। अली का भी ख्वाब शायद साइकिल ही था। घर वालों से नाराज, जिंदगी से निराश, कॉलेज की स्टूडेंट से मार पिटाई, ये सब गुण अवगुण उसमें कूट कूट कर भरे थे। अली को मालूम था कि जब तक वो अपने बाबूजी के जेब से पैसे नहीं चुराएगा, उसे साइकिल नहीं मिलेगी। तो उसने पैसे चुराकर साइकिल खरीद ली। तू ठीक है? हाँ। और तुम? हाँ बिल्कुल। साले, तेरे यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। हाँ, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। जानता हूँ कि मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकता। सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इसमें सृष्टि की कोई गलती नहीं है। वो तो मुझ पर छोड़ दे। और हाँ, मेरे कॉलेज के आसपास भी मत दिखना। नौकर को नौकर की तरह ही रहना चाहिए। अरे भैया, देखना इसमें क्या प्रॉब्लम है, चेन अटक रहा है जरा। 5 मिनट लगेंगे, ये छोटा वाला चक्का बदलना पड़ेगा। ठीक है बॉस, जल्दी करो यार, मुझे जाना है।
अरे यहाँ से फोर्ट का रास्ता किस तरफ से? बॉस, अरे यहाँ से फोर्ट का रास्ता किस तरफ से? बस मार्केट वाला रास्ता पकड़ के सीधे निकल लो, शॉर्टकट है। किसी ने मेरी साइकिल चुराई और मैंने किसी और की ना, चोरी का जवाब चोरी से नहीं हो सकता। आ गया हीरो, आज फिर लेट है। साले की अकड़ तो देख, साइकिल क्या आ गई, इतरा रहा है। अब तो सुमन भी इंप्रेस हो ही जाएगी। पहुंच गए? नहीं नहीं, अभी नहीं। मुझे तो लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। अरे तुम फिक्र मत करो, बस चलती रहो, संभाल के सीढ़ी। हाँ अब क्यों, कैसी लगी? देवा, ए देवा, रामू नहीं है? नहीं, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। अरे यार, पता नहीं कहाँ चला गया। तू चल मेरे साथ गैरेज चलते। आ नहीं, भाई को फिक्र होगी, वो यही आता होगा। अरे रोमियो, तू कब तक इंतजार करेगा यहाँ पर? तू चल, तुझे कुछ बताना है। अरे चल बेटा, खुश हो जाएगा तू सुन के। मैं बताता हूँ कि साइकिल किसके पास है। ये साइकिल तुमने कब खरीदी? थोड़े पैसे जोड़कर, पुरानी है लेकिन अच्छी है। ये मेरी दूसरी फेवरेट जगह है। दूसरी? तो पहली कौन सी है? मेरे घर के सामने जो पुल है ना, वो। घर में और कौन कौन है? अब्बू हैं, अम्मी को गुजरे कुछ साल हो गए। सॉरी, याद आती होगी उनकी। नहीं, और कौन कौन है? भाई बहन? नहीं। होशियारी दिखा रहा, तुम समझ नहीं रहे हो। सब समझ में आ रहा है। पहले वो नैन मटक का, फिर दीवार पे चढ़ के खिड़की से ताका झाकी, और अब ये चोरी। नहीं कसम से, मैं इसे वापस रख रहा हूँ। ओह जनाब, गलती हो गई। गलती हो गई सरकार, गलती हो गई। नहीं, ये सही कह रहा है, ये यहाँ। तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से। इस साले को तो मुझे संभाल लेता। अबे साले, क्या कर क्या रहा है? कहीं नहीं जा रहा तू? क्या बात, क्या है? मेरी साइकिल चुराएगा? ए चल, तू जा सकता है। कहाँ था दिन भर? लंबी कहानी है। देवा कहाँ है? उसे तो घर पे छोड़ा है। तुझे एक जरूरी बात बता। अबे ये क्या कर दिया यार? अरे मुझे क्या पता था कि वो खुद चला जाएगा। तू तो जानता है उसे। देवा, मैं जानता हूं कहां है। गवाइये अली, हवा में गड़बड़ है, मैं सूंघ सकता हूँ। अबे देख देख, पूरे हफ्ते तेरे साथ, लेकिन संडे संडे तो फंडे है। अबे साले, बहुत बोल रहा है साले, कमीने। यही है? यही है साले, एक आध बार फुटबॉल भी खेली है हमारे साथ। कॉमर्स वाले है ना। अबे तू चुप कर जा ले मखन। यकीन नहीं होता, अपनी कॉलेज वालों के साथ लड़ना पड़ेगा। ये सेंट जोसेफ में क्या कर रहा है? वो जो साइड में है ना, वही है। तो चल चल के देखते हैं। रहने दो यार, मैं तुम सबको झमेले में नहीं डालना चाहता, फालतू का हल्ला मचेगा।
ये मेरा मामला है, हम पे छोड़ दो। यार अगर कोई गड़बड़ हो गई तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, पक्का। एक बात बोलूं? क्या? पहले प्रॉमिस करो कि तुम बुरा नहीं मानोगी। अरे ऐसे कैसे प्रॉमिस करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? नहीं। तुम्हें जो बताना है वो बताओ। अगर बात ऐसी हुई कि मुझे गुस्सा करना चाहिए तो मैं करूंगी, बहुत सारा करूंगी। ठीक है, तो फिर सुनो, मुझे तुम्हारा ये विजय से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या? तुम्हें गुस्सा आ गया ना? तो आएगा नहीं क्या? तुम मुझे कैसे बता सकते हो कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं? वो एक, छोड़ो ये सब बात करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो एक घटिया किस्म का इंसान है। मैंने तुम्हें बताया भी तो है कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को कितने पहले से जानती हैं। अच्छा दोस्त है मेरा। अच्छा दोस्त। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तो फिर कल मिलेंगे? पता नहीं, देखते हैं। भाई प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम उससे झगड़ा नहीं करोगे। नहीं भाई सच में। इधर देख, मैं शुरू नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। तो चल फिर अपनी साइकिल ले आते हैं। अली, बेटा ये सब पूछना ठीक तो नहीं लगता पर जरूरी है। मैं देख लूंगा। तुम्हें याद है वो पैसे तुम्हारी साइकिल के लिए जिनसे मैं सानिया की फीस भरने वाला था? हाँ, मैं आज वो पैसे ढूंढ रहा था पर मिल नहीं रहे कहीं भी। देखो मैं इस बारे में कोई सवालात नहीं करना चाहता, मैंने तुम्हारी अम्मी और बहन से भी पूछा, तुम्हें कुछ पता है उन पैसों के बारे में? नहीं। क्या हालत की है सीट की? अब क्या? अब्बू बुला रहे हैं। ये लड़के बोल रहे हैं कि साइकिल इनकी है और तुमने चुराई है। झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? कि ये साइकिल इनकी है या ये कि तुमने चुराई है? ये साइकिल इनकी नहीं है। ये झूठ बोल रही है अम्मा। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे पास साइकिल भी है, कब ली? तुम लोग सच बोल रहे हो, ये साइकिल तुम्हारी है? हाँ। कसम से, अब इस पे मेरा नाम भी पढ़ सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी साइकिल ले जा सकते। नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये मेरी साइकिल है और मैंने कोई साइकिल नहीं चुराई। तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? अपने ही घर में चोरी करता है, कैसा आदमी है तू? मैं कैसा आदमी हूं? आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि वो पैसे मेरे? फिर भी ये सही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले मेरे रिजल्ट की बात, फिर कुछ और। दरअसल आप मुझे पैसे देना ही नहीं चाहते थे, वो तो इसकी फीस के लिए जाना था।
इसकी तुम्हारी बहन है वो? नहीं, ये लो मेरे कुछ नहीं लगते। हम कुछ नहीं लगते? मेरी अम्मी मर चुकी है, मेरा कोई नहीं है, मैंने कुछ नहीं चुराया। तुम लोग अपनी साइकिल लो और जाओ यहाँ से। नहीं अली, छोड़ो साइकिल, छोड़ो, जाने दो। ये मेरी साइकिल है। छोड़ो साइकिल, जाने दो अली, जाने दो। नहीं छोड़ो, जाने दो। नहीं अली, तुम्हें उस बात को भूल जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि मैं, मुझे अकेला छोड़ दो। एक लेवल ऊपर। क्या मतलब? कोई तोहफा वफा, सरप्राइज देते हैं। कैसे? किसी भी औरत के दिल का ताला सरप्राइज नाम की चाबी से खुलता है। सरप्राइज? हाँ, पर ऐसा क्या? कुछ भी जिसमें तुम अच्छे हो और उसे भी अच्छा लगे। क्या राधा है? सोच रहा हूँ तुम्हें दो चार मूव सिखाई दूँ। फुटबॉल और मैं? बहुत आसान है, मजा आएगा। ऐसी खड़ी रहो, बॉल को देखना। इसमें तुम्हें बिजली की तरह तेज होना पड़ता है, जो सोए वो खोए। ये तो चीटिंग है, मैंने पहले कभी नहीं खेला। इसीलिए तो तुम्हें सिखा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें कहाँ देखना चाहिए? बॉल को। गलत, मुझको देखो, अपने सामने वाले खिलाड़ी को, उसकी आंखों में देखो और फिर अंदाजा लगाओ किस तरफ जा रहा है। डिफेंस ऐसा ही खेलते हैं। फिर से करें? ठीक है, मैं तुम्हें देखूंगी। अच्छा अब मुझे मत बताओ, सिर्फ सोचो तुम्हें किस तरफ जाना है। ठीक है। दाएं? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? फिर से। अच्छा फिर से दाएं? हाँ, पर मुझे कैसे पता चला? आसान है, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। तुम दिमाग में चाहे हजारों चीजें सोच लो, पर बॉडी सीधी सादी होती है, सब बता देती है। पर तुम उसे झूठ बोलना सिखा सकती हो। उसको कहो तुम एक तरफ जा रही हो और फिर। पर ये तो चीटिंग है। नहीं, ये फुटबॉल है। अब ऐसे ठीक से खड़ी रहो, ठीक है? कहीं दिख रहा है? सारा लफड़ा यहीं से शुरू हुआ था। साला ये साला मैकेनिक जरूर जानता हूँ। देख देख अंदर देख। हाँ देख देख। बाहर निकल साले, तेरे पंजे ढीले करता हूँ। झूठ साले। ओ यादव के बच्चे। देखना जाके देख अंदर। ओए चल बाहर। ओए बाहर निकल। चल। किधर गया साला? निशान फोड़े, चल भाग। अब क्या करें? चश्मे
जीतेगा वही जीतेगा, राम राम जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, राम राम जीतेगा। सॉरी सर, कोई बात नहीं, सॉरी सर, खेल में ऐसा होता ही है, I'm sorry, sir. मेरी चिंता मत करो, खेल लगे रहो, जो भी कुछ कर रहे थे लगे रहो भाई, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों गैंग्स के लीडर हो ना, अब तुम आपस में क्यों लड़ रहे थे मुझे नहीं मालूम, और ना ही मैं जानना चाहता, कोई अच्छा कारण होगा जरूर। सर ये मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ बच्चों की तरह उछल कूद करना चाहते हो या फिर मर्दों की तरह लड़ना चाहते हो मैदाने जंग में। तो फैसला ये हुआ कि तुम्हारे ये दोनों गैंग्स इस फाइट को फुटबॉल के मैदान में मैच के रूप में खेलेंगे। जो जीतेगा वो साइकिल उसकी होगी, दूसरे की नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अली, पास द बॉल। अली पास भी दो। नाइस, बहुत अच्छे रामो, बहुत अच्छे। समझदारी से आपस में मत लड़ो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई। ऑलराइट, टाइम्स अप, अब मजा आएगा। पेनल्टी किक्स, वन ईच। Come on!
दोनों हार गए, मैच ड्रॉ हो गया। कोच थॉमस ने हल निकाला कि ये साइकिल एक एक दिन के लिए दोनों को मिलेगी। और वो बड़ी ईमानदारी से इसे एक दूसरे को वापस करने आएंगे, और ये बात मंजूर कर ली गई। छन के आई तो क्या चांदनी तो मिली, छन के आई तो क्या चांदनी तो मिली, तो खिली। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। नहीं मारना चाहिए था, आपने कोई पैसे नहीं चुराए, वो पैसे आप ही के थे आपकी साइकिल खरीदने के लिए। मैंने अब्बू से भी कहा मेरी फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगले साल से स्कूल चली जाऊंगी। सिर्फ एक रंग से तस्वीर होती कहीं, गम नहीं तो खुशी मत नहीं। धूप छाओ है दोनों तो दिलकश जहां, क्या शिकायत करे फुर्सत कहां। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। पूरी कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं ही बेवकूफ था। वो पोइट्री, वो घूमना फिरना, फुटबॉल, मैं क्या सोच रहा था। मेरी भी गलती है, मैंने भी। जाने दे यार, इसको एक सपने की तरह लेते हैं। पर वो ऐसे तो नहीं लगती, कहीं ना कहीं कुछ नहीं है। अपने दिमाग से निकाल दे, वो अपने लेवल से बहुत ऊपर है। अपनी तकदीर की ये दास्तां, कभी कातिलाना कभी गया। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। और बताओ। चलो विजय। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, अब इसे तुम रख सकते हो। क्या
ये अब तुम्हारी हुई। तुम ठीक तो हो? हाँ, इस पे तुम्हारा हक बनता है। मैंने तो सिर्फ लेट एंट्री मारी और इसे लेने की कोशिश की। पर वो तो फैसला हो चुका है, बात तो ये हुई थी कि हम इसे बांटेंगे। फैसला गया फाड़ में, मैं तो सिर्फ इसे बदले के लिए चाहता था। इसे तुम रख लो। तो मिलते हैं बाद में। ठीक है, अगर हम किसी और तरीके से मिले होते तो तू और मैं, तो हम फिर भी दुश्मनी होते हैं। साइकिल वापस की तभी लगा कुछ तो गड़बड़ है। बेहोशियार है तो कट ले यहां से, इस बेचारे बच्चे को अकेला छोड़ के। वो देखो बाहर चलो, नहीं इधर तोड़ दो सालों की साइकिल, मारो सालों को। उल्लू के पट्टो टूर्नामेंट को हफ्ता भर बचा हुआ है और तुम लोग साले गैंग वार में लगे हुए हो, वो भी किसके साथ? इनफर्टिचा गवर्नमेंट कॉलेज के लड़कों के साथ। मर्दानगी दिखानी है तो फील्ड पे दिखाओ, फील्ड पे दिखाओ। और तू, तुझे तो मैंने कितनी बार कहा है ना, इन सब लफड़ों से दूर रहे।
तेरी जगह तेरा बाप खेलेगा, गधे का बच्चे। सर आपने बुलाया? ये क्या है सर? ये शर्म की बात है हम सब के लिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। ध्यान से देखो क्या ये लिखा है, सेंट जोसेफ कॉलेज फर्स्ट राउंड बाय। जो मैंने कहा शर्म की बात है, मैं इसी की बात कर रहा था। यानी कि तुम लड़कों का कॉलेज इस मैच में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज खेल में बिलो स्टैंडर्ड है, बिलो स्टैंडर्ड। ये अच्छा ना हुआ था भैया ने मेरी साइकिल के लिए क्या क्या नहीं किया। अब मैं भैया से कभी भी साइकिल नहीं मांगूंगा। टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगा। पर भैया और अली मेरा दर्द जान गए थे। देवा कैसा है? बेचारा, उसे साइकिल से सबसे ज्यादा प्यार था। ये तो शुरुआत है, सीख जाएगा। आप क्या? उस हरामी की बात तो तूने सुनी ही थी। तुम्हारा मतलब तेरी जगह तेरा बाप खेलेगा? वो भी किसके साथ? इनफर्टिचा गवर्नमेंट कॉलेज के लड़कों के साथ। सो द ग्रेट कोच, तो क्या होने वाला है? द क्लासिक अंडरडॉग बैटल, गरीब गुरबों का मुकाबला रईस ज़ादों के साथ? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपकी टीम को हमारे साथ खेलना होगा। अब जरा खिड़की खोल के एक नजर डाल लें, मजे की गारंटी मेरी। तुम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हो कोच। लड़ तो रहा हूं, बहुत दिनों से तमन्ना थी। अरे जैसे ही उसे चोट लगी ना, कुत्तों के जैसे रोया। <कुत्तों के। laughs> दुखता है। तुम लोगों को सिर्फ ये बताना था, अब से तुम्हें मुफ्त में बाय नहीं मिलने वाली। सेंट जोसेफ को हमसे खेलना होगा आगे बढ़ने से पहले। मजा आएगा। गुड लक। प्रिंसिपल गायटोंडे ने मेरे बहुत बड़े चैलेंज के बाद सिर्फ अपने मैदान में एक लीग मैच खेलने की परमिशन दी है, और इस शर्त के साथ कि अगर हम हार गए तो हम 4 साल तक स्टेट लेवल पर कोई भी मैच नहीं खेल सकेंगे। मैंने ये चैलेंज कबूल कर लिया है। मेरे बहुत मना करने पर भी भैया ने मैच खेलने की ठान ली थी। साइकिल के टूट जाने का दर्द बहुत था उन्हें, यही दर्द उनकी लड़ाई थी।
वो फिर रहा है। गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? लेकिन हम हार रहे हैं सर। और जब तक हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? Now's the time to kick their ass. Come on, team. Let's do this. नंबर फोर को आपको चिल्ला के बोलो, समझ गए आप? और कोई खिलाड़ी खोने नहीं चाहता हूँ, समझे? क्या हो रहा है? स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। यस सर, आई डोंट कुछ नहीं किया सर, नॉट फील लाइक दिस सर। कितना खून बह रहा है। कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी करो, कम ऑन यू गाइस, हरी अप, हरी अप, कम ऑन। रेफरी, वन मिनट, पुश गाइस, गो गेट देम, कम ऑन, गो गाइस। ओके सर। कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है हमारे पास, और एक कम से खेलना होगा। मैं खेलूंगा सर, मैं खेलूंगा। रामू, तुम्हें मरना है क्या? जीतो, पास। क्या कर रहा है यार अकेले? कम ऑन, दैट्स इट, कम ऑन। अली, 23 नंबर, 23 नंबर को आगे मत जाने देना। हाँ देख, पास, कम ऑन, ड्रिबल, ड्रिबल। भैया आगे ले जाओ। धमाले चल। रामू, 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 रामू। अब मैं और वक्त नहीं निकाल सकता हूँ, तुम तैयार हो? बिल्कुल फिट हूँ सर। सुनो, तुम जाके खेलो, अपना नॉर्मल गेम खेलो, हीरो बनने की कोशिश मत करो, समझे? रेफरी, ही इज रेडी, कम ऑन, गो रामू, गो गो गो, यस, कम ऑन, कम ऑन। यस रामू, यस, चलो चलो, बॉल आगे पास करो, कम ऑन, पास करो। रेफरी, व्हाट इज दिस? ये क्लियर फाउल है, इट्स अ क्लियर फाउल।
दो दो पे रोक रखे, अच्छा खेल रहे हो, हमारे पास सिर्फ एक मिनट है। हाँ यार, शूट आउट तो नहीं जा सकते साले, हमें कच्चा चबा। उसकी फिक्र तू मत कर, वो अगली मिनट देखा जाएगा। और रामो हेडर तो करना मत, वरना खोपड़ी खुल जाएगी, समझा? Very nice. बॉल को देखना, इसमें तुम्हें बिजली की तरह तेज होना पड़ता है, जो सोए वो खोए। अच्छा ये बता, तुम्हें कहाँ देखना चाहिए? बॉल को। गलत, मुझको देखो, अपने सामने वाले खिलाड़ी को, उसकी आंखों में देखो और फिर अंदाजा लगाओ किस तरफ जा रहा है। रामो, कमान रामो, उठ रामो, कमान रामो, कमान रामो। गोल था क्या? पुरानी बात लगती है, जिस दिन वो टूटी फूटी साइकिल मिली, हमारी लाइफ ही बदल गई। मैं और मेरा भाई, हमने उसे ठीक किया, या फिर उसने हमें। रामू अली जिंदाबाद, मेरे भैया जिंदाबाद। उस हार को जीत में बदलने के यकीन को लेकर मैं आज तक चलता हूं।
और चलता रहूंगा। छन के आई तो क्या चांदनी तो मिली, छन के आई तो क्या चांदनी तो मिली, चंद दिन ही सही है कली तो खिली। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया।